ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆਉ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਟੇਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਟੇਕ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖਿਏ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਕੀ ਹਮ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਕੁਛ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕੀ ਫਾਈਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਕੀ ਵੀ ਫਾਈਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। सभी कंट्रीज का अपना अपना प्रोसेसिंग टाइम, अपना अपना एक प्रोसेस का मेथड है। कनाडा की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कनाडा अप्लाई करना है किसी भी बच्चे ने, कोई भी इंटेक टारगेट करना है, तो आइडियल टाइम क्या है, कितने समय में उसको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने चाहिए, कब उसको फाइल एम्बेसी में लॉन्च करनी चाहिए, कितने टाइम में, या फिर जैसे आमतौर पर प्रमोशन चलती है आप एक दिन में ऑफर लेटर ले लो, दो दिन में ऑफर लेटर ले लो, तो उन चीज का प्रभाव कैसे पड़ता है स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर? देखिए, ये तो अच्छी बात है, कोई एक दिन में दो दिन में अगर ऑफर लेटर आ रहे हैं तो मतलब क्विक सर्विस है, बट देखना ही होगा कि कोई प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप प्रोडक्ट को तो कुछ भी कह के सेल कर सकते हो कि ऑफर लेटर वन डे, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट है क्या, ठीक है, किस पे वीजा आएगा किस पे नहीं आएगा। बात है कि यहाँ पे जो आइडियल टाइम की बात करें तो कनाडा एक तरह से नंबर वन चॉइस है आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की डेट में कनाडा मतलब इंडिया के किसी भी कोने से देख लें बच्चा कनाडा जा रहा है, ऐसे ही वर्ल्ड के किसी भी कोने से देखें तो बच्चा जा रहा है कनाडा में, तो बड़ा ही कंपटीशन है। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि जैसे आपकी ट्वेल्थ हुई या जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हुई उससे पहले ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दो। आपके पास पासपोर्ट आपके एग्जाम से पहले होना चाहिए। आप कोशिश करो कि आईएलटीएस या पीटी या टॉफल जो भी कर रहे हो उसको जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी फिनिश करें, महीने दो महीने से ज्यादा ना लेके जाएं। मतलब जब तक आपका रिजल्ट आए तब तक तो आपके हाथ में रिजल्ट मिले, जब ट्वेल्थ का रिजल्ट आना या बैचलर का रिजल्ट आना उससे पहले आपके पास लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट का स्कोर होना चाहिए। अच्छा, आप ठीक है, आप एग्जाम दे चुके हो, आपके पास आपने बाद में सोचा है, तो फिर भी यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो महीने दो महीने इससे ज्यादा ना लें इसको। दूसरा जो इंटेक है, अगर आप नंबर्स पे गिनोगे कि जी जनवरी तो अभी बहुत दूर है, पांच महीने है, चार महीने है, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक एक साल पहले बच्चा प्रिपरेशन शुरू कर देता है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपना प्रोसेस करो। तो मैं तो यही कहूंगा तकरीबन छह सात महीने पहले इनटेक से अपना प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ऑफर लेटर लीजिए, टाइमली फी पे करिए, फाइल लॉज करिए, वीजा आपका आ जाएगा, उसके बाद अपना आराम से बैठिए। हाँ, यहाँ पे क्या और एक तरह से बर्डन बहुत है एम्बेसी के ऊपर, तो सजेशन यही रहेगा कि तीन चार महीने, जब आप छह महीने पहले आपने प्रोसेस शुरू किया लेकिन तीन चार महीने जब तक आपका इनटेक है उससे चार महीने पहले, तीन महीने पहले आपकी फाइल एम्बेसी में चली जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो जल्द काल साजिश के अंदर भी कम दिक्कत आ जाती है, थोड़े काम जो है खराब नहीं होंगे, और एक जो राइट मेथड है इनटेक डेफर होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आप लेटर फाइल लगाओगे तो आपका इनटेक डेफर हो सकता है। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट होती है जो डॉक्यूमेंट स्टूडेंट के पास में है, उसकी फैमिली के पास में होने जरूरी हो जाता है? देखिए, यहाँ दो दो कैटेगरी है वीजा की, एक एसडीएस एक जेनरिक। तो एसडीएस के हिसाब से आपको पहले तो लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, अभी तो गुड न्यूज है कि भी आईएलटीएस के साथ साथ पीटी भी आ गया, टॉफल भी आ गया, केल भी आ गया, सेल्फी आ गया, इनमें से कोई भी एक टेस्ट दीजिए, और एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जैसे केल की रिक्वायरमेंट अपना 60 है ओवरऑल, सेल्पिप की 7 है, टॉफल की 83 है, पीटी की 60 है ओवरऑल, ऐसे ही आईएलटीएस की 6 बैंड है। तो आप ये स्कोर लेके आइए, पहला डॉक्यूमेंट तो यही है। दूसरी बात, आपकी एकेडमिक शुड बी विद यू,
जिसमें आपकी 10th 12th बैचलर जो भी है, इसके अलावा अगर इफ़ यू हैव एनी गैप, तो गैप एक्टिविटी, आपने जॉब की तो अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सचेंज सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, ITR एज पर द सैलरी, ये सब होने चाहिए। और किसी कारण से गैप है तो गैप के आपके पास एविडेंस हो, माइट भी कोई मेडिकल इश्यू हो, माइट भी आपने किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की हो, तो जो भी है, या माइट भी आपका कंपार्टमेंट आ गया था, माइट भी आपने रीअपियर किया है, तो वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद पेरेंट्स के ITR, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न। मोस्टली पेरेंट्स की, खासकर मम्मी की ITR नहीं होती, तो मेरी रिक्वेस्ट, और कुछ ना कुछ वो प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी प्रोफेशन में उससे रिलेटेड उनकी ITR होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न, साल की ट्यूशन फीस प्लस GIC, ये फंड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, ऑफर लेटर आने के बाद, क्योंकि उसमें ना एक डेट दी होती है कि इस डेट से पहले उनको फी पे करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट के थे इनटेक इसलिए मतलब निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास फीस ही नहीं बनती, जब जब उनका ऑफर आ गया तब वो जागते हैं और तब वो फीस इकट्ठी करना शुरू करते हैं। तो अपनी जो फंडिंग है वो रेडी रखें, क्योंकि इसमें एक साल की ट्यूशन फीस 10-11 लाख रुपए, GIC $10,200 ये जाना, तकरीबन 17-18-19 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अगर आपकी जेनरिक फाइल है तो नेचुरल सी बात है कि जो भी प्रोफेशन में आपके पेरेंट्स जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके ITR के साथ साथ उनके प्रोफेशन के डॉक्यूमेंट्स भी होने जरूरी हैं। ठीक है, थोड़ा सा डीप रिसर्च जरूर करें, SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अच्छी बनाएं, क्योंकि SOP अगर आप अच्छी बनाएंगे तो वीजा ऑफिसर आपको वीजा देगा। ठीक है, एक सवाल मेरा यहाँ पे आपके सवाल से पहले मैं बोलना चाहूंगा, नॉर्मल एजेंट की बजाय RCIC के थ्रू फाइल लगाएं, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, क्योंकि RCIC इज रिकमेंडेड बाय द हाई कमिश्नर। जी ठीक है, आसी RCIC दे बेनिफिट की है फाइल लाउन दे, ओदी भी डिटेल्स गल जरूर करेंगे। उस तो पहले प्रदीप सर मेरा एक सवाल है, जो अभी बच्चे रिसेंटली प्लस टू की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अवेयर है कि इंटरनेशनल एजुकेशन का बच्चों को आगे जाके ये बेनिफिट मिलेगा। हमारे एरिया में एक और सोसाइटी भी है जो बच्चे 25-30, 32-34 की एज में आ जाते हैं, इंडिया में है, यहाँ पे बैचलर कर ली, मास्टर्स कर ली, एक हमारे यहाँ का बहुत कल्चर है भी BEd कर लो, BPed कर लो, MPed कर लो, है ना, जी, टीचर लग जाना, है ना, जी, टीचर जी, लगना ना लगना वो एक अलग चीज है। अब खासकर पेरेंट्स ऐसे करते हैं गर्ल्स के लिए, हाँ, ओवर क्वालिफाइड हो गया वो बच्चा, पहले डिग्री कर ली फिर डिप्लोमा कर लिया या MA करके फिर बाद में BEd कर ली, तो यहाँ पर ही ऑलरेडी बहुत एजुकेशन है उसके पास में, उस बच्चे के लिए आज की तारीख में कोई कनाडा में ऑप्शंस है या वेस्टर्न ओवरसीज के पास कोई ऑप्शंस है? देखिए कनाडा है ना, वीजा हर एक बच्चे को देगा, बशर्ते कि आपका कंसल्टेंट है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब उसको अच्छे का मतलब ये नहीं कि वो स्मार्ट हो, अच्छे का मतलब उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि एक बच्चे को क्या, उसकी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल उसको क्या कोर्स दिया जाए। मैंने देखा कि मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट क्या करते हैं, जिसने BEd और MEd कर रखी है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे देंगे, और वो भी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, वो उसमें वीजे रिजेक्ट होते हैं, और बच्चा कहता है कि, बच्चे से जब पूछा जाता है, बच्चा जब बताता है कि मेरा वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ, तो एजेंट के पास एक ही होता है, जी मैंने तो रिलीवेंट कोर्स में डाला था, बट आपको समझना होगा रिलीवेंट कोर्स ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शूट करता है, लेकिन कौन सा, जिस बच्चे ने BEd या MEd कर ली, वो डिप्लोमा अगर 12th वाला करेगा तो वो शूट नहीं करता, अर्ली चाइल्डहुड लिखा है वो एक अलग बात है, और इससे एजेंट है ना पागल बनाते हैं स्टूडेंट को। तो यहाँ पे कोर्स का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे मास्टर्स किए हुए होते हैं, मास्टर वाले बच्चों को यहाँ पे अगर आप डबल मास्टर्स दोबारा दे दोगे तो फिर भी रिफ्यूज आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बच्चों को आप कोई क्रैश कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स दोगे, या तो मास्टर्स दोगे किसी स्पेशलाइज कोर्स में, या जो लास्ट में उसने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उस सब्जेक्ट किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ आप लेके जाएंगे मास्टर्स में, तो हाई पॉसिबिलिटी है, या फिर PG प्रोग्राम भी हो सकता है, वो भी क्रैश कोर्स, रिलेवेंट कोर्स, ठीक है, तो उसमें स्पेशलिटी आ जाती है और बच्चे का वीजा लग जाता है। एक प्रोफाइल मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, आप उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे वीजा लिया जाता है एक बच्चे का जो और क्वालिफाइड हो। ये सुखविंदर कोर स्टूडेंट है, करनाल ब्रांच का ये बच्चा है, इसका वीजा आया है, इसने देखिए 10th की 2002 में, 2002 हाँ, ओके, 12th की 2004 में नॉन मेडिकल, ठीक है, 73%, इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस की 2007 में, ठीक है, और पंजाबी यूनिवर्सिटी से थी, इसके बाद देखिए बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद MBA फाइनेंस कर लिया, ओके, जिसने बैचलर ऑफ साइंस की, बैचलर ऑफ साइंस मतलब उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा, तो MBA फाइनेंस कहां से शूट करती है, बट उसने किया, ठीक है, MBA फाइनेंस किया 2009 में,
ठीक है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 78%। अच्छा एमबीए फाइनेंस किया तो फिर बीएड कर ली, क्योंकि भाई बीएड ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी रिलेवेंसी, कुछ भी कोई रिलेवेंसी नहीं है। बैचलर साइंस की, फिर एमबीए फाइनेंस किया, उसके बाद बीएड कर लिया, और जो कि 2018 में, 2009 के बाद 2018 में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड किए, 2009 के बाद 2018 में। अब इसके बीच के आयल्स में है 6.5 एंड नो लेस देन 6। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रही है हाइलेक्स होम एप्लीकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अगस्त 2009 से दिसंबर 2014 में, ठीक है बीएड के बाद। अब भाई बीएड क्यों की थी, अगर इसने कहना मैं टीचिंग में नहीं जाना था तो ठीक है ना, एमबीए फाइनेंस करने के बाद बीएड कर ली, और उसके बाद क्या कर रही है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है वो तो चलो एमबीए से कहीं ना कहीं, एमबीए से है लेकिन बीएड से तो नहीं है, एमबीए करने के बाद बीएड की ना, ठीक है बीएड इसने बाद में की। अच्छा इसके बाद इसने टीचर काउंसलर एट एस सेंटर लिमिटेड है 14 दिसंबर 2014 से मार्च 2016 तक किया, ओके ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रही बाबा रामदास विद्याफीठ स्कूल में, साइंस, ये क्या नाम है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है एट बाबा रामदास विद्यापीठ स्कूल है ये, ठीक है जुलाई 2018 में तक, ठीक है। अब इसका जो कोर्स देखा जाए, एमबीए फाइनेंस, ठीक है, फिर उसके बाद बीएड है, बीच में उसका बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, बीएड के बाद इसका टीचिंग में है, तो हमारी टीम ने टीचिंग को ही इसको आगे उठाते हुए इस बच्चे को दिया क्वींस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनली ट्रेन टीचर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनली ट्रेन टीचर, सिगोर द वीजा, ओके। देखिए अगर जिस बच्चे ने, जिस बच्चे ने बीएड किया, अब मेजोरिटी ऑफ द एजेंट्स क्या करेंगे, उसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे देंगे, वीजा नहीं आएगा। अब बीएड करने के बाद, इसका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने इसको जो प्रोग्राम दिया, एक तो यूनिवर्सिटी में दिया, दूसरा पीजी प्रोग्राम दिया, वो भी इंटरनेशनली ट्रेन टीचर का दिया, एंड सी गॉट द वीजा। और ये मैरिड लड़की है, और मुझे आज भी याद है कि ये जब मेरे पास आए थे तो ये कह रहे थे कि जी हम कम से कम 20-25 कंसल्टेंट्स के पास होके आए हैं, एज पर देम आपका कनाडा का वीजा नहीं निकलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप अभी तक जहां भी गए हैं मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन यहाँ पाए हो, हम इस पे 100% देंगे, वीजा तो एम्बेसी ने देना, बट वी विल गिव आवर 100%। दूसरा आप के एकेडमिक उसके बिहाफ पे आपको रिलेवेंट कोर्स लेना होगा, या आपका पिछला वर्क एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड रिलेवेंट और प्रोग्रेसिव। ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स किया ऑलरेडी बैचलर कर लिया, आपको डिप्लोमा कर रहे हो, नो, अगर आपने बैचलर किया तो पीजी प्रोग्राम ही करें, तो रिलेवेंट कोर्स हो, टाइम पे फाइल लगे, और अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज होना चाहिए, और आपका कोर्स है वो बड़ा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और जो जो एजेंट्स आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, मेजोरिटी ऑफ द एजेंट्स कहते हैं एसडीएस में फाइल अग्री कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बट हम बोलते हैं कि पेरेंट्स की आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न जरूर लेके आओ, हमें पता होना चाहिए कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वहां पे एक कॉलम आता है कि आपके पास फंड कितने अवेलेबल हैं, तो उसी बेस पे हम आप एम्बेसी को बताते हैं कि भाई बच्चे के पास, इसके पेरेंट्स किस प्रोफेशन में, और बच्चे के पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, ये कुछ चीजें छोटी छोटी चीज, और आरसीआईसी कंसल्टेंट हो वीजा लग सकता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, गल बात करने की, थैंक यू, सो डिटेल्स कल करांगे अगली वीडियो दे, और भी सवाल दे थोड़े जवाब देवांगे, तो स्टे कर चाहने हो थोड़े किसी विषय ऊपर असी अगली वीडियो लेके हाजिर भी था, कमेंट सेक्शन च अपना जो विचार है सानू शेयर जरूर करो, फिर तो हाजिर होंगे, ध्यान रखो जी, सत श्री अकाल।